गुलशन कुमार साहब के साथ, क्योंकि आपने उनके साथ रिकॉर्डिंग में भी वक्त लिया होगा? एक वर्ड है अद्भुत, अगर वो किसी शख्स पे इम्प्लीमेंट हो सकता है तो वो गुलशन जी ही थे, और उनके बाद कोई नहीं ऐसा। मतलब होता है ना, जैसे कोई बोलता है कि यार इसका नेचर उसके जैसे है, ये बड़ा दबंग है या ये बड़ा स्मार्ट है, ये बड़ा स्टाइलिश है, ये दोनों स्टाइलिश हैं, पर गुलशन कुमार जी का जो एक ऑरा था वो एकदम अनूठा था, और मैंने ना उसके पहले किसी को देखा, ना ऐसा कोई और बाद में देखा, ना कोई आएगा। उसके लिए बहुत इंडिविजुअलिटी चाहिए, उसके लिए बहुत इनोसेंस चाहिए और बहुत हिम्मत चाहिए। इनफैक्ट जब मैं आया था टी सीरीज़ में, तब टी सीरीज़ का बिल्कुल भी मतलब एक भी फिल्म उनके पास नहीं थी। दे हैड एक्चुअली आइसोलेटेड देमसेल्फ कम्प्लीटली। फिल्में उनमें आई भूषण के आने के बाद में, फ्रेंकली उसके पहले तो बस टी सीरीज़ वॉज डूइंग देर ओन स्टाफ एंड कम्प्लीटली। एंड उस समय जो मैंने माहौल देखा है, भूषण कुमार जी की हिम्मत, उनका अकेले चलने की जो ताकत थी, और जिस तरह वो लोगों को बड़ा प्यार से रखते थे। जब मुझे पहली बार मिले तो उन्होंने उनको अजीत कोहली जी ने बताया कि एक नया लड़का आया है ये गाना। एक्चुअली मैंने एक डमी गाया था किशन कुमार जी के लिए फिल्म आजा मेरी जान में, आग लगे सावन को करे बेचैन, तो ये गाना एसपी बालसुब्रमण्यम गाने वाले थे, तो ये मैंने गा दिया। और तो गुलशन जी देख रहे थे, उन्होंने जब शूटिंग के बाद देखते ना अपने थिएटर में बैठे देखे, ये कौन है जी? तो कोहली जी ने बताया ये कोई नया लड़का है। अरे कौन गा रहा है, कौन गा रहा है? नया लड़का है कोई दिल्ली से आया है, बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ। इतने मतलब कोई और होता है बोलता है भाई छोड़ ठीक है नया आया, अभी भीख मांगने थोड़ा और भीख मांगने दो, थोड़ा सा और धक्के खाने दो। ही आइडेंटिफाइड कि इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर मुझे बुलाया गया तो उन्होंने मुझे फर्स्ट चीज़ देखी और बोला, वो कोहली तो कह रहे थे कि आप छोटे हैं, आप तो कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं। तो उनका ये मेरे लिए फर्स्ट डायलॉग था जो मुझे आज तक याद है। फिर मुझे कहते हैं आप चिंता ना करो, आपको मैं सपोर्ट करूँगा, आपको चिंता ना करो, मैं सपोर्ट करूँगा। और फुल ऐसा बोलने से याद पे कि हिम्मत बन जाए। नॉर्मली हमको मिलते थे लोग, आए क्या है, किधर जा रहे हैं, काय को मिलने का है, इधर मिलने का है, भाई इधर जाने जाने का, कल आने का, हफ्ते बताने का, हमको ये मिल रहे थे लोग। अचानक एक कंपनी का बॉस हमको मिल रहा है और प्यार से बोल रहा है, नहीं आओ आप, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमको सपोर्ट करेंगे आप। फिर एक बार मैं गोल्डन चरण के बाहर बैठा हुआ, मतलब मैं एंटर कर रहा था स्कूटर में, मेरे पास तब तू उधर था, तो देखा गुलशन जी बाहर सिक्योरिटी के साथ में ऐसे बैठे हुए हैं। हाँ जी आ जाओ बेटे आ जाओ, कहाँ से हो? मैंने दिल्ली से हूँ जी। अच्छा अच्छा, क्या करते हो? मैंने अभी 12th पास की है, अभी यहाँ पे आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो फैमिली का है? मैंने दिल्ली में है, तो बुला लो, हम सपोर्ट करेंगे जी, आपको गवाएंगे खूब सारे गाने, बुला लो। अब ऐसा कोई आदमी बोल दे तो आदमी कितना मनोबल बढ़ता है। एंड देन ये सबको मैंने बता चुका हूँ पहले कि मैंने इनके लिए खूब सारे वर्जन गाने शुरू किए, रिलीजियस गाने शुरू किए, माता की भेंटें गाने शुरू की। तो गा गा के इंसान की प्रैक्टिस हो जाती है, और मैंने भी पूरी मतलब एक ईमानदारी निभाई उनके साथ में। मुझे मैंने सबको कहा भी हो, एक बार टिप्स में रमेश तुरानी जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने उस समय सब कंपनीज थी, वीनस टिप्स वगैरह सब आपस में देवर कंपेरेटर्स एट दैट पॉइंट। तो रमेश जी कॉल मी अपनी सेट, देखो भाई हमने तुम्हें नाजायज़ में गवाया, इसमें गवाया, खुदार में गवाया, उसमें गवाया, अब ऐसा करो कि तुम हमारे लिए भी वर्जन गाओ। तो मैंने को कहा कि सर गुलशन जी ने मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, फिर भी अगर मैं आज उनसे चीटिंग कर सकता हूँ तो कल मैं आपसे भी चीटिंग कर सकता हूँ। सो मैं उनके साथ चीटिंग नहीं कर सकता, आई विल नेवर डू वर्जन विद एनीबडी एल्स, आई विल डू फिल्म सॉन्ग्स विद यू बट आई विल नॉट डू वर्जन विद एनीवन। सो दिस वाज माय रिलेशनशिप विद गुलशन जी एंड ही रियली अप्रिशिएटेड ऑल दैट। एंड टिल द टाइम ही वाज अलाइव वी हैड अ ग्रेट टाइम, एंड आफ्टर ही लेफ्ट वी ऑल मेड श्योर दैट भूषण नेवर फेल्ट अलोन, एंड देन वी हैड अ ग्रेट जर्नी। उसके बाद में आप देख ही रहे आज वो कितने अच्छे मुकाम पर पहुँचे, उन्होंने अपने पापा के जो बेटन था वो आगे ले जाके उसको और बड़ा किया। सो वी वेरी हैप्पी अबाउट इट। Hi everybody, I'm Shah Rukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.